चलो स्नेक रिलीज करने जाना है। भैया ऑन द वे हूँ। अरे भाई जल्दी कर, पनवेल निकलना है। देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक। ये देखिए सब डब्बे को अभी क्लियर किया जा रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है। ये बात है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मुई चांदनी पहाड़ रे स्नेक जे राति समय रे जन रेस्क्यू करी थी सेटा मुई आसी छे एई चांदनी पहाड़ रे छाड़वा के और आज आपन को साफ बाप दे गांव मन को नाम भी कहि देमे। थोड़ा सा डर लगता है। ओके एटा मोर बोयरा सर आकाश अग्रवाल राति समय 12टा रे धरि छे और इटा आमी चांदनी पहाड़ रे इताके छाड़वा के आसी। स्नेक रो नाम था? स्नेक रो नाम छे अमर प्रैक्टिकल कुकुरा। इटा हो गुखुरा नाक 5 फुट लंबा अच्छे। इटा ये प्रेगनेंट अच्छे। चांदनी पहाड़ रे रेस्क्यू रिलीज। चांदनी पहाड़ रे रेस्क्यू कॉमन क्रैट। कॉमन क्रैट इति अच्छे न्यूरोसिन टॉक्सिन। इटा चाबी देले हम 15 मिनट भीतर रिएक्शन करवा। कोबरा इटा होचे ओंड्राटा। ओंड्रा बोले ओंड्रा मेल की फीमेल? मेल मेल। इटा हमर इटा इटा भी प्रैक्टिकल कोबरा जंडा की हमर राती समय रे कोबाट पड़ा रे धराई था। इदेक मी हमर चांदनी पहाड़ रे लिली चल राती समय रे धराई थिला तरभा रो गाउली गाँ जेन ओतडा से ही जगह इटा थिला। इटा भी बेडरूम रे थिला। ई मूसा खाइबा के घर मन के जाइ दिला। इटा मन जते बले आपण मने देखबे घर रे देखबे हमर स्नेक जेन मने परफेक्ट अछन रेस्क्यू करूछन से मन के आपण देखाबे आ से मने धरि करी आमी जंगल रे छाड़ी देमु आज्ञा। आर इटा के हमकु डरे नै केबे से हमर जदि गोड गुडा बाजी गला कि काण गुटे गला बले से जगह चापसिन हेले निजे कोनोसी राग रिश्मी रखनी। मन में बड़ो छे तो इटा हो जागा हमो चंपा नागो। चंपा नागो हां इटा हो चंपा नागो। इंग्लिश रे तो इंग्लिश रे हमर कोबरा कहंती है। इंग्लिश रे जेंडा कोन कोबरा कहसो। इटा स्पेक्टेकल कोबरा नहीं से इटा प्रैक्टिकल कोबरा नहीं से इटा हो चंपा नाग। ई खे सदा बले सों सों करू जाओ ना आवाज दबा। इटा के हम एई चांदनी पहाड़ रे मुई इटा के रिलीव करू छे। राति समय रे धरती ने आ गया इटा। इटा भी राति समय रे ये 4 फुट 8 इंच छे आ गया इटा 4 फुट 8 इंच। देखियो कैसे जा रहा है। आराम से जंगल रहवा किसी असुविधा नहीं है। हेड गोला जो किसी नहीं क्या उतना ये नहीं नहीं पोला वैसा है। 2-4 kg 2-4 kg यही हुआ। ऊंचे रखो तो तब टिक टक तो फटा मुंह क्या नाक है। हां नाक इधर भी 5 kg हुआ। बाप रे बने बैठो छे इधर जा बेटा। हाइट कितने था इटा हाइट होचे 5 फुट 5 फुट 5 फुट 8 इंच 5 फुट 8 इंच। ओंडाटा आज्ञा ओंडा भी खाबा आरु छुआ मन के भी मारी दबा आ सब माई के भी मारी दबा आ खाई दबा। हेति लगी से ओंडाटा डर है टिके दुरिया जे गुरी से तामे तार ओंडाटा देसी एबो। लिटरली ये मोमेंट में तो लगा कि ओ गॉश कैसे निकल रहा है देखेंगे तब बस। चंपा नाग है इटा। इटा भी हमर चंपा नाग। ई सदा बले फों फों कोसी है याडा ने करो डबा ये बो। इटा भी हमर 5 फुट 30 से निकला रे बो। इटा ला हमर बहुत एग्रेसिव। इटा हला चंपा नाग और ये भी हमर गुखुरा नाग टा आ चंपा नाग को राति समय धोई थी इटा के मुई रिलीव कर जागा। 5 फुट 8 इंच नहीं भागी पारे के बोलो
नहीं भागी पर से आराम से जीवा इन आराम पान भी अच्छे खावा लगे भी सुविधा अच्छे जंगल अच्छे आराम से रहवा तार परिवेश टा इन सुरक्षित आकार रखवा इटा जो व्हाइट ना कोबरा व्हाइट कोबरा पूरा व्हाइट इटा केते अच्छी दा हाइट इटा मोर 5 फुट 3 इंच बहुत रेयर है और इटा बहुत कम दिस से इटा कान इटा व्हाइट कोबरा इटा व्हाइट कोबरा या ये भी अंडा दवा के आसतिला और गुए रो संगे लड़े ही लागुतिला कमेंट में बताइए कि गुए क्या होता है तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है ये गलती नहीं है तेरी कसूर नहीं इधर रिली प्रेस की जरूरत है चल So guys, हम लोग ने अभी सब सांपों को रिलीज कर दिया और डिस्क्रिप्शन सब भैया ने आपको दे दिया। लास्ट स्नेक जो था वो बहुत एग्रेसिव हो गया था। देव भैया शाम के टाइम में स्नेक को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये टाइम में वो लोग रात को जाके शिकार करके खा सकते हैं, अगर दिन टाइम में वो लोग को दिखाई नहीं देता है। सो गाइस डन विद द डे और आज का दिन पूरा हमारा बहुत अच्छा गया। हम लोग ने अराउंड 7 to 8 कोबराज 2 कॉमन क्रेट्स को भी रिलीज़ किया। आज हमने एक डिफरेंट टाइप का कोबरा देखा जो व्हाइट कोबरा था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लाइट कम होने के कारण से हम लोग मतलब बहुत अच्छे से आपको डिटेलिंग में दिखा नहीं पाए। ओके ओके बट होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आके हम लोग रिलीज करेंगे स्नेक को, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है स्नेक्स को छोड़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद स्नेक्स अपना खाना वाना मतलब आराम से खोज पाता है, खा पाता है। सो और ये एक ऐसा पहाड़ है चांदनी पहाड़ जहाँ पे स्नेक्स को मतलब कोई भी एनिमल को कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। 12 मंथ यहाँ पे ग्रीनरी होती है और पानी भी सब सुविधा झरना भी है। तो भैया अकॉर्डिंग टू भैया जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे झरना भी है, जंगली पिकअप पिक भी है, जंगली पिक, जंगली कुटरा, ये सब सब कुछ है। कुटरा एक टाइप का मतलब डियर टाइप का एनिमल होता है, थोड़ा हरुन का एक वर्सन है। और पिकॉक मोस्टली खरगोश भी है मतलब सब एनिमल है। तो ये चांदनी पहाड़ एक बेस्ट पहाड़ है। और आज जितना भी कचरा था हम लोग ने सब साफ कर दिया, कचरा जो प्लास्टिक्स थे वो ना प्लास्टिक के कैन को हम लोग ने जला दिए मोस्टली। हम बहुत थैंक यू हैं देव भैया को कि देव भैया जैसे एक इंसान है जो कि इतना फॉरेस्ट से अटैच है, फॉरेस्ट को बचाने के पीछे इनका जो स्टेप्स है वो अमेजिंग है। तो प्लीज़ देव भैया के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और नमस्ते लॉर्ड साहब। जय बलांगे। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो।